अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, आज का हमारा जो टॉपिक है इसके अंदर हम कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, दोनों तरफा होगी, क्योंकि हर बार भाई मेरी जिम्मेदारी भी तो नहीं है ना यार, हर दफ़ा मैं इन्फॉर्मेशन दूँ, कभी कभी आप लोग भी दिया करो यार। तो भाई आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जो आपने देखा हो खुश्क झींगा। यहाँ मैं इस तरफ साइड में आपको दिखला दूंगा कि खुश्क झींगा कैसा होता है। ये मुझे तो मैं लाया था अम्प्रेस मार्केट से, ठीक है ना, वहाँ से जो वहाँ खुश्क मछली की मार्केट है वहाँ से मिल जाता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं है। मेरे ख्याल में 150 रुपये का एक पाव मिल गया था, ठीक है। अच्छा जी, इसके बारे में कुछ थोड़ा सा इख्तलाफ है, आप लोग भी मुझे बतलाइएगा कमेंट्स करके। मैंने अपने परिंदों को, अपने जावास को मैंने दिया है, मैंने रिंगनेक को भी दिया है और कभी कभी मैंने थोड़ा बहुत इसको फिंचेस को भी दिया है, ठीक है। लेकिन लोग कहते हैं कि भाई ये नहीं देना चाहिए। अब मैंने क्यों दिया, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि जावा और ख़ास तौर पर जावा, मतलब ये जो वो कीड़े खाने वाले बर्ड्स हैं, यानी कि बोला इनके लिए आप जो नगेट्स कहते हैं ना, जिसको हम मक्खी के लार्वे, आप वो इनको दें और फिंचेस भी यानी कि वो कीड़े खाने वाले परिंदों में से हैं। तो अब इसको हम नगेट्स, तो यानी कि पाकिस्तान में तो मेरे ख़्याल में इसका वो नहीं है कोई, जिसको कहना चाहिए कि कोई कंपनी नहीं है जो देती हो बनाती हो। बहरहाल आप सुन रहे हैं कि कुछ फार्मिंग वगैरह लोग करते हैं और ये बाहर सप्लाई होते हैं चाइना में, वहाँ पे इंसान खाते हैं यार, चलो खैर उनकी मर्ज़ी, तो ऐसा भी है, ठीक है ना। तो हमने अपने परिंदों को थोड़ा थोड़ा दिया था, लेकिन बात यह है कि ये जो अब यानी कि हमारे पास यानी कि जाव और फिंचेस को दिया, मुझे तो कोई साइड इफ़ेक्ट इसका लगा नहीं। इसको सर्दियों में देता रहा हूँ मैं और इसी गरज से देता रहा हूँ कि ये इसमें यूँ समझ लो कैल्शियम और विटामिन, दूसरी चीज़ें होती हैं ये कुदरती है, तो थोड़ा बहुत वैसे ही दाने के ऊपर मैं डाल देता था और परिंदे खा भी लेते थे। तो अब भाई इन्फॉर्मेशन ये लेने देने की है कि आप लोग भी मुझे बतलाएँ कि ये जो परिंद यानी कि झींगा है ये परिंदों को देना चाहिए नहीं देना चाहिए। मेरे पास तो मैंने तो दिया है, ब्रीड के टाइम पर मैं देता रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में मना करते हैं कि भाई ये नहीं देना चाहिए, ज़्यादा गर्म होता है। तो आप लोगों के पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप ज़रूर मुझे देंगे, क्योंकि देखें आजकल हो रही है सर्दी, ऐसा ऐसा मौसम ठंडा हो रहा है, दिन छोटे हो रहे हैं, रातें बड़ी हो रही हैं। और यार ये वैसे अजीब सा लगता है, मैं कभी कभी ये बात सोचता हूँ ना, मैं जब छोटा था मैं सोचता था कि यार ये दिन छोटे जो होते हैं ये एक दिन कम क्यों नहीं हो जाता, मतलब यानी कि यार रोज़ाना स्कूल जाना पड़ता है, दिन छोटे हों या बड़े हों तो एक दिन ऐसा हो कि दिन ही नहीं निकले, तो कम से कम एक छुट्टी तो बढ़ जाएगी। लेकिन चले ऐसा नहीं होता था, खैर तो बहरहाल दिन छोटे हो रहे हैं भाई और रातें लंबी हो रही हैं। तो इसमें थोड़ा सा ये होता है कि आपको अपने बर्ड्स के लिए जो आपका, क्योंकि बर्ड इन दिनों में ब्रीड भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो जो कुदरती माहौल होता है परिंदों का उसके अंदर तो बहुत सारे फल इस मौसम में आ रहे होते हैं। आप देखेंगे इन दिनों में सब्जियां भी काफ़ी आ रही हैं, ठीक है ना, तो ये मौसम है यानी कि इन दिनों में ये चीज़ें आती हैं। तो बर्ड, जब बर्ड का कुदरती माहौल के अंदर जंगलात में जब उनका ब्रीडिंग सीज़न आता है तो उनको वाफिर मकदार में खाना मिल रहा होता है हर जगह से, ठीक है। जो जिसको कहना चाहिए कि जो खिज़ा का मौसम है वो सर्दियों के बाद शुरू होता है या सर्दियों में दिसंबर में यानी कि पतझड़ शुरू हो जाती है, लेकिन जो ब्रीडिंग सीज़न होता है वो मार्च अप्रैल से यानी कि शुरू होता है, जब यानी कि दोबारा कोंपलें फूट रही होती हैं। और बहुत माशाल्लाह मैं कुछ टाइम मेरा ऐसी जगहों पे गुजरा है, बहुत खूबसूरत माहौल होता है, देखने वाली ज़बरदस्त माहौल होता है, ठीक है ना। तो उसमें उन दिनों में इनको वहाँ पर अच्छा वो मिलता, तो अब जब हमने इनको यूँ समझ लिया कि एक्टिविटी में रखा हुआ है तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना है कि हम इनको जो इनकी मतलूबा ज़रूरियात हैं वो हम इनको पूरी करके दें, ताकि ये ब्रीड भी अच्छी कर सकें और दूसरा के मोर्टेलिटी रेशियो भी कम रहे, और फिर हम वो सारी चीज़ें दे सकें जो बर्ड को रिक्वायर्ड है यानी कि जो बर्ड को चाहिए, ठीक है। तो ये भाई दो तरफ़ा इन्फॉर्मेशन थी, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ शेयर करेंगे कि भाई झींगा देना परिंदों को ठीक है या नहीं। तो वैसे इसमें झींगा भी और एक खुश्क मछलियाँ आती हैं छोटी छोटी सी होती हैं, तो वो भी लोग देते हैं, मैंने परिंदे वालों की दुकान पर भी देखी हैं कि वो बेच रहे हैं और लोग लेके जाते हैं, तो लाजमी बात है परिंदों को खिलाते होंगे, तो ऐसा भी है।
तो विवर्स ये आज की इन्फॉर्मेशन थी, और कल का मैंने, यार मैंने पूछा भी था, आप लोग थोड़ा सा बतलाया करो मुझे, मैं अगर कोई व्लॉग के अंदर थोड़ी सी तब्दीली करता हूँ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का बहुत सारा भंडार जमा कर दिया है मैंने अपने चैनल के ऊपर। तो अब उसमें ये होता है, आप लोग जब कमेंट्स करते हो तो मुझे किसी नए इशू के ऊपर वीडियो बनानी होती है, तो आप लोग के कमेंट्स को देख के बनाता हूँ मैं, ठीक है ना। और इसी के मुताबिक मैं इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करता हूँ। एक सिर्फ वीडियो मेरी ऐसी है जो पेंडिंग में पड़ी हुई, और उसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। वो भाई ने पूछा था कि जो हमारी फिंचीज हैं इसकी जो म्यूटेशन हैं उसके बारे में बतलाएं। तो यार उसका असल में मसला ये है कि भाई फिंचीज की जो म्यूटेशन हैं, एक तो पाकिस्तान में मैंने शायद उसको बताया था कि सारी की सारी हैं भी नहीं, दूसरा ये कि इनका जो मैंने वो मुझे जो लगा ना, इनको थोड़ा सा यार बेचना मुश्किल है। फिंचीज की म्यूटेशन काफ़ी महंगी है, ट्रिपल ऑरेंज, ट्रिपल ब्लैक, ये काफ़ी महंगी म्यूटेशन हैं, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये का पेयर है, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं मार्केट में तो मुश्किल होती है। तो इसमें यूँ समझ लें कि ये चंद लोग कर रहे हैं इस काम को, और वो बेशक इसके अंदर कमाते भी होंगे, लेकिन यार थोड़ा सा मसला ये होता है कि जब हम ऐसी रेयर म्यूटेशन से शुरू करते हैं ना काम, तो फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको अपनी ब्रीड सेल करने में बड़ी परेशानी होती है। बस ये मुझे तो ये पॉइंट काफ़ी, मुझे यानी समझ लें कि जानदार लगता है। बाकी आपको लगता है कि यानी कि इसके लिए कोई बेहतर लायमल हो सकता है, तो भाई मुझे भी बतलाएं कि अगर हम रेयर ब्रीड के ऊपर ही काम करते हैं सिर्फ, तो उनको बेचना किस तरह आसान होता है। क्योंकि देखें जो परिंदे बड़े होते हैं ना, मतलब यानी कि सन के न्यू रिंग ने या इस तरह के परिंदे, इनकी ब्रीड बहुत थोड़ी सी है, और लोग जब इन्हें ख़रीदते हैं तो अच्छे तरीके से चेक करके ख़रीदते हैं, ठीक है ना, बड़े फार्म से ख़रीदते हैं, तो उनका मैं समझता हूँ। फिर भी आप यानी कि अगर पब्लिश सही कर तरीके से कर सकते हो मार्केट में इधर उधर, तो उसका फिर भी ये है कि आपको अच्छा रेट मिल सकता है। लेकिन जो छोटे परिंदे होते हैं ना, इसमें बहुत सोच समझ के लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें अक्सर दो नंबरी हो जाती है। जैसे भाई बता रहे थे कि मुझे यानी कि कॉमन जो बर्ड अपना फिंच है वो मुझे म्यूटेशन बोलकर किसी ने चिपका दी, तो यार ऐसा हो जाता है कभी कभी ना, तो इसलिए थोड़ा सा लोग इस चीज़ से एहतियात करते हैं। बहरहाल अगर कोई आप लोग समझते हैं कि यार म्यूटेशन के ऊपर काम करने में ज़्यादा फ़ायदा है, इसकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, मार्केट में रनिंग आइटम है, यानी कि बिकता भी जल्दी है, तो मुझे बतलाएं किस तरह है और कैसे है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर वर्क करूँगा, देखूँगा, और फिर आपके लिए एक अच्छा से व्लॉग बना के लाएंगे, ठीक है व्यूवर्स। तो ये मेरा आज का वीडियो थी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट बॉक्स में यार कुछ ना कुछ बोल दिया करो, ताकि मुझे थोड़ा सा आगे के लिए मोटिवेशन मिले। आप लोगों की तादाद भी ऐसा ऐसा बढ़ रही है, मैं और भी कुछ सोच रहा हूँ, कुछ और आइडियाज़ पे भी सोच रहा हूँ यूट्यूब के मुतालिक, चैनल्स के मुतालिक, तो देखेंगे। बहरहाल अगर फीडबैक अच्छा आएगा तो इंशाल्लाह मैं फिर एक शायद एक और चैनल बनाऊं किसी और शोबे से, यानी किसी और कंटेंट के साथ ना, तो करेंगे बहरहाल इंशाल्लाह, फिर से मुलाकात होगी। और दुआओं में याद रखें, और बस यार अल्लाह हाफिज़।